नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में माँ लक्ष्मी ज्योतिष और अध्यात्म। और मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आज आपको मैं बताऊंगी आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन के बारे में मकर राशि वालों के। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम डेली ही 6-7 वीडियो डालते हैं, जिससे आपको नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहे, नक्षत्र ग्रहों के बारे में आपको पता चल जाते रहे। और साथ में अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और प्लीज़ 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 कॉल मत कीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों की। स्वास्थ्य, धन संपत्ति आपकी बहुत अच्छी है, उत्तम है, परिवार भी आपका उत्तम है, लेकिन प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटास है। किसी भी तरह की चोट चपेट से आप बचने की कोशिश कीजिएगा और अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपकी आत्मविश्वास बना रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें मत खरीदिएगा जो आपकी यूज़ में ना हो। इसके अलावा आप परिवार के साथ किसी गतिविधि में भाग ले सकते हैं, परिवार आपको पूरा सुख मिलेगा और आपका जो भी मन है वो शांति की ओर होगा। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, यदि आप प्यार में हैं, तो आपके लवमेट के साथ या आपके पति पत्नी के साथ थोड़ा सा तनाव हो सकता है, थोड़ा झगड़ा हो सकता है, इससे आपको बचना है। हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में या आपके प्रेम के ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी करे, इससे आपको बचना है। किसी भी तरह को डलवाने से पहले आपको बचना है। आप किसी भी तरह की कोई नुकसान को मत लीजिएगा। और व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा, व्यवसाय में आपको उन्नति होगी। यदि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई पैसा कहीं लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ये टाइम आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और जो आपका प्रेम और आपका जो व्यवसाय है, वैवाहिक जीवन है, जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, उसके लिए आप क्या करना चाहिए, बृहस्पतिवार का उपाय कर सकते हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो आपको केले के पेड़ पर आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए और माथे पे चंदन का टीका लगाइए, चंदन नहीं है तो हल्दी का टीका लगाइए। साथ में भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, इससे आपको फायदा होगा और आपके प्रेम संबंध में आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू।